हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लावर्स। आज हम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हम इसको अच्छे से समझेंगे, देखेंगे क्या इसमें प्रोविजंस मेंशन है। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को इनैक्ट किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट और उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लिश किया गया 1774 में। इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 4 थी, जिसमें से एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। नेम क्या था फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का? एलिजा एमपे, राइट। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इनैक्ट किया गया और उसके थ्रू हमने जनवरी 28, 1950 के अंदर दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया, जो कि अभी प्रेजेंट वाला है। अब आप बात करेंगे हाई कोर्ट के बैकग्राउंड की, तो ईयर 1862 में 3 कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ईयर 1864 में एक और हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया एट अलाहाबाद। फोर्थ प्रोविजन ये है हाई कोर्ट में, सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 अथोराइज टू द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स एंड यूटी। हमने 1956 में 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया और उसके थ्रू हमने पार्लियामेंट को यह हक दिया कि वह 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकता है। यहाँ बात याद रखने वाली ये है कि यह पावर पार्लियामेंट के पास है, ना कि गवर्नर, ना ही प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। फिफ्थ पॉइंट ये है, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू एनी यूटी। ज्यूरिसडिक्शन जो होता है हाई कोर्ट का, पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो उसको एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है किसी भी यूटी तक, और उसी पावर को कम भी कर सकता है किसी भी यूटी के लिए। आ रही बात समझ? अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट का। स्ट्रेंथ डिसाइड किया जाती है बाय द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को राइट दिया है कि आप एक एक्ट इनैक्ट करें और उसके थ्रू टाइम टू टाइम स्ट्रेंथ डिसाइड किया जाए। ऑरिजिनली जो स्ट्रेंथ थी वो 8 थी, राइट। फिर इसको टाइम टू टाइम अमेंड किया गया, 6 टाइम अमेंड हो चुका है। अब इसके द्वारा अभी इसकी स्ट्रेंथ 34 है, राइट। कंपोजिशन आप अगर हाई कोर्ट का देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर एक 8 मेंशन कर दिया था, यहाँ पर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं मेंशन की। यहाँ पर शुरुआत से प्रेसिडेंट को पावर दे दिया गया है, प्रेसिडेंट अपॉइंट टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी। प्रेसिडेंट को जब लगता है कि अपॉइंट करना है हाई कोर्ट जजेस को तो अपॉइंट कर लेता है, राइट। यहाँ पर एक पार्लियामेंट के पास राइट है, वो पार्लियामेंट के थ्रू ही स्ट्रेंथ डिसाइड होंगी। यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में करता है बाय द प्रेसिडेंट, राइट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट। तो प्रेसिडेंट को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो वो डिस्कस करेगा किससे, पहले जज से ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड देन द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, राइट। हाई कोर्ट जज नहीं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से डिस्कस करेगा। अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट विद डिस्कस करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। और ये जो प्रोविज़न, ये ऑब्लिगेटरी है, ये प्रोविज़न ऑब्लिगेटरी नहीं है। मतलब अगर अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो पूछना ही पड़ेगा, राइट। जस्टिस ऑफ इंडिया को करना है तो ये मैंडेटरी नहीं है। अब सीनियर मोस्ट जज कन्वेंशन, सीनियर हम देखते हैं कि सीनियर मोस्ट जज हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, तो ये क्या कहीं लिखा है? नहीं, ये केवल कन्वेंशन है जो कि चली आ रही है शुरुआत से, राइट। अब हम हैं क्वालिफिकेशन। अगर आप क्वालिफिकेशन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है सिटीजन ऑफ इंडिया एंड जज ऑफ द एससी फॉर 5 ईयर। या तो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए या तो जज होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का फॉर 5 साल के लिए। तीसरी जो सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन है वो है ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट की नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होना चाहिए, राइट। अब हम हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सेम, राइट। ही शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन अ टेरिटरी 10 ईयर। वहाँ पर क्या था, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर। यहाँ क्या है, उसने 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिस हिंदुस्तान की किसी भी टेरिटरी में अगर हेल्ड करना चाहिए तो वो उसके बनने के लायक है। और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एनी और वाला है, कंपलसरी नहीं है, या तो ये एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। हिंदुस्तान में किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए।
अब इसकी तीसरी क्वालिफिकेशन हम देख, तीसरी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, तो रिमेंबर दैट, यहाँ केवल दो ही क्वालिफिकेशन, यहाँ पर तीसरी क्वालिफिकेशन नहीं है। सेकेंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मेंशन है, रिमेंबर दैट पॉइंट, सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल। क्वेश्चन बन सकता है क्या क्या सिर्फ सेकेंड शेड्यूल में, सिर्फ थर्ड शेड्यूल में नहीं, सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में। यहाँ पर सेकेंड शेड्यूल में आप देखोगे तो यहाँ पर उसकी एमोल्यूमेंट अलाउंसेस प्रिविलेज मेंशन है, थर्ड शेड्यूल में उसकी ओथ एंड अफर्मेशन मेंशन है। ओथ और अफर्मेशन हम देखेंगे तो ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट, और उसके द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई पर्सन, किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस को, राइट। ओथ में क्या होता है, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, राइट, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप दूसरे ऑफिसेस की अगर ओथ एंड अफर्मेशन देखेंगे तो डिफरेंट होती है, तो इसीलिए मैं आपको ओथ बता रहा हूँ, इनकी ऑफ क्या होती है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओथ एंड अफर्मेशन देखिए, अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, दोनों को, लेकिन ओथ कौन दिला रहा है, गवर्नर, कहाँ पर, हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट, अपॉइंट दोनों को कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। तो ये फ़र्क है, ये डिफरेंस है। ओथ की अगर हम बात करें तो ओथ कौन दिला रहा है, हाई कोर्ट में, गवर्नर या उसके द्वारा कोई अपॉइंट किया हुआ शख्स, राइट। अब सैलरी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, राइट, और के दोनों की सैलरी एंड अलाउंसेस डिटरमाइन किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट। इसके अपॉइंटमेंट रह गया था, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, मैंने आपको पहले बताया था, दोनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जब बात आती है ओथ की तो इसका सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट या उसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया हुआ कोई शख्स, और यहाँ पर गवर्नर या उसके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई शख्स। अब यहाँ पर वाई प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, राइट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, तो प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्ट विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, राइट, उसको जब उसका अपॉइंट करना होता है, तो अगर वो एक से ज़्यादा स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं तो वहाँ पर वहाँ के जितने भी गवर्नर हैं उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। अदर जजेस को अगर अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट, का जो टेन्योर है उसने फिक्स नहीं है, उसने मेंशन नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फिक्स्ड टेन्योर की कितने साल वो रहेंगे फिक्स, और टेन्योर जो वक्त पीरियड है उनका, टाइम पीरियड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नहीं किया, सेम इसके लिए मेंशन नहीं किया, लेकिन थ्री प्रोविजंस उसने बोले हैं, क्या बोले हैं, थ्री प्रोविजन इसके लिए भी गए हैं, थ्री प्रोविजंस के लिए भी गए हैं। नंबर एक, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 65 ईयर, नॉट मिनिमम, रिमेंबर दैट पॉइंट, मिनिमम एज डिफाइन नहीं किया। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द हिज एज डिटरमाइन बाय द पार्लियामेंट, आ रही बात समझ, अगर सुप्रीम कोर्ट की जज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसकी एज को लेकर, तो कौन डिसाइड करेगा, बाय द पार्लियामेंट, राइट। सेकंड पॉइंट, रिजाइन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, राइट, और रिमूव बाय प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के टेन्योर की बात करें तो मैक्सिमम क्या है, 62 एज, नॉट मिनिमम मेंशन। डिस्प्यूट इसके एज के रिगार्डिंग डिस्प्यूट पैदा हो गया तो कौन सॉल्व करेगा, प्रेसिडेंट, यहाँ पर कौन कर रहा था, पार्लियामेंट, ये मेन डिफरेंस है, आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूवल की ग्राउंड क्या है, तो रिमूवल का ग्राउंड है मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी, बस। अब जो प्रोसीजर वो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, वो प्रोसीजर के अलग से एक एक्ट है, वो एक्ट के थ्रू ही उसकी प्रोसीजर पूरी मेंशन है, राइट, प्रोसीजर मेंशन नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। कोर्ट की बात करूँगे, सेम प्रोविजन, मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी, प्रोसीजर मेंशन नहीं है, राइट। अब सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सीट होती है ना दिल्ली के अंदर जो कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिल्ली डिसाइड किया है, बट ये हक दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि वो चाहे तो प्लेस टू प्लेस डिसाइड कर सकते हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अगर हमको उसके ज्यूरिडिक्शन और पावर को चेंज करना है हाई कोर्ट के, तो वो पार्लियामेंट भी कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है, लेकिन केवल एक्सटेंड कर सकता है, याद रखिएगा, केवल बढ़ा सकता है, चेंज करने में कुछ भी हो सकता है, चेंज करने में भैया हमको बदलना है, लेकिन उसको कम नहीं कर सकता। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का एक्सपेंडिचर बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, राइट। और हाई कोर्ट के सारे जजेस का एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बट एक्सेप्ट उसकी पेंशन के। पेंशन कहाँ से होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, रिमेंबर दैट पॉइंट, ओके। एंड एडहॉक जजेस को हम क्यों अपॉइंट करते हैं? एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है कॉरम को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।